अभी मैं करेलामन पुल के पास हूँ और देख लीजिए यहाँ की स्थिति, देख लीजिए ये पुल की। मेरा लाइट, गाड़ी का लाइट जल रहा है, लेकिन अगर चारों ओर का सिचुएशन अगर देख लिया जाए, यहाँ चारों ओर का सिचुएशन देख लिया जाए तो कितना अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है। अगर मैं जैसे मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ लाइट ऑफ कर दिया, देख लीजिए ये पुल है, ये करेलामन का पुल, ये करेलामन का पुल है और ये बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है और साइड में कोई ब्रेकर भी नहीं है। अगर यहाँ कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ लाइटिंग का व्यवस्था नहीं किए हैं, लाइट का व्यवस्था नहीं किए हैं, देख लीजिए बिल्कुल ये है। अगर मैं फ्लैश लाइट जला रहा हूँ तो यहाँ कोई लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है। दोनों ओर पुल है और पानी है और उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई भी पर्सन अगर आते हैं, अनजाने में आ जाते हैं, अगर पुल के पास अगर गिरते हैं तो फिर उसका अता पता भी नहीं चल पाएगा, अनबैलेंस्ड होकर के वो गिर जाएगा। इसलिए मैं जो भी स्थानीय प्रतिनिधि हो या जिम्मेदार पर्सन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रशासनिक पदाधिकारी है, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पुल जो है, मैं अभी दिखाने का कोशिश करूँगा कि हमारे पुल का दशा क्या है। देख लीजिए ये पुल है, पुल है और इसमें देख लीजिए लाइटिंग अगर हम लगाते हैं, लाइट लगाते हैं तो यही पुल है और चारों ओर अगर जो व्यक्ति, जैसे देख लीजिए ये दोनों ओर पुल है, ये पुल है लेकिन इसमें दिखता नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, बहुत लंबा। ये हुसैनीपुर का बहुत बड़ा पुल है, ये करेलामन का पुल है, ये कई सारे पंचायतों को जोड़ने का काम करता है। इसलिए मैं जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इस मौत के, ये जो मौत का जो मंजर होने वाला है, जो इसमें कोई भी व्यक्ति आएंगे तो अंधेरा में वो बैलेंस नहीं बना पाएंगे और गाड़ी से पलटी मार लेंगे, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इस पर संज्ञान ले। और अभी आने वाले जो सोलर ऊर्जा का जो लाइट है उसमें कम से कम दे करके इसको जल्द से जल्द इसको प्रकाशित करने का कोशिश करें, ताकि कोई भी बाहरी पर्सन होंगे उसको इससे बचत हो पाएगा। क्योंकि आगे चलने के बाद, जैसे अगर हम आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद बिल्कुल अनबैलेंस स्थिति है, तो इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। थैंक यू। और यह गोविंदपुर पंचायत में पड़ता है, करेलामन के बीचों बीच। देखिए करेलामन के बीचों बीच ये पुल बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त पुल है, लेकिन इसमें आगे से ब्रेकर नहीं है और उसके बाद इसमें लाइटिंग का बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, तो कई सारे दुर्घटना हो चुकी है और आगे भी दुर्घटना का निमंत्रण दिया जा रहा है कि अगर लाइट का व्यवस्था नहीं होगा तो कितने अनजाने व्यक्ति गिरते हैं गाड़ी के साथ और ऐसे भी गिरते हैं, तो इसलिए इस पर संज्ञान लिया जाए। थैंक यू।